हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जस्टिन जोसेफ। आज का वीडियो में हम एक नया प्रोसीजर करने जा रहे हैं। उस प्रोसीजर का नाम है अनकॉन्शियस पेशेंट्स का ओरल केयर। हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया हुआ है कि कॉन्शियस पेशेंट का ओरल केयर कैसे करते हैं, मतलब जो पेशेंट होश में हो तो हम कैसे उसके ओरल केयर करेंगे। इस बार जो हम वीडियो बना रहे हैं वो अनकॉन्शियस पेशेंट का, मतलब जो पेशेंट होश में नहीं है, बेहोश है, तो उसका मुंह की सफाई हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हम इस वीडियो से जानकारी लेंगे। तो अनकॉन्शियस का ओरल केयर करने के लिए हमें, जैसे हमें कुछ आर्टिकल्स की नीड है, तो आर्टिकल्स हमारे पास, हमने यहाँ पे रखा हुआ है, हमने एक बिग ट्रे रखा हुआ है, एक किडनी ट्रे, दो बाउल्स, ये माउथ वॉश लिक्विड है। हम टूथपेस्ट की जगह हम माउथ वॉश लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे और टूथब्रश की जगह पे हम यूज करेंगे आर्टरी फोर्सेप्स, ये ब्रश की तरह हम इस्तेमाल करेंगे। और क्लीनिंग पर्पसेस के लिए हम स्टेराइल गॉज पीस का इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमने एग्जामिनेशन ग्लव्स रखा हुआ है, फेस मास्क रखे हुए हैं और एक ग्लास में सॉफ्ट वाटर भी रखा हुआ है। तो ये है हमारे पूरा जो आर्टिकल्स जो हमें अनकॉन्शियस पेशेंट की ओरल केयर में इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं, वीडियो देखेंगे हम किस तरीके से हम ओरल केयर करेंगे। तो हमारा कोई भी प्रोसीजर हो, हमारे सबसे पहला काम है पेशेंट को इन्फॉर्म करना। इस केस में कि पेशेंट हमारा कॉन्शियस लेवल में नहीं, अनकॉन्शियस है, तभी भी हमें पेशेंट को इन्फॉर्म करना है। हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं, शायद वो हाँ या ना बोलेगा नहीं, फिर भी हमें, ये पेशेंट का राइट है कि हमें पेशेंट को बताना चाहिए कि हम क्या प्रोसीजर कर रहे हैं। तो हम पेशेंट के कान में बताएंगे, सर मैं आपका ओरल केयर कर रहा हूं। तो इस तरीके से हम पेशेंट को इन्फॉर्म कर सकते। तो इस प्रोसीजर के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने आर्टिकल्स इकट्ठा करने के बाद ऑब्वियसली हमें हैंड वॉश करना है। 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश, जो हमारे मेडिकल हैंड वॉश है वो करना है। हैंड वॉश करके आने के बाद हमें पेशेंट को पोजीशन देना। तो हम अनकॉन्शियस पेशेंट को हम सेमी फाउलर पोजीशन, दैट इज 45 डिग्री, 45 डिग्री पे हमें पेशेंट का हेड को ऊपर करना है, ऊपर करना उसको 45 डिग्री। हमने पेशेंट को अभी 45 डिग्री का पोजीशन दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले फेस मास्क को पहनना है। तो फेस मास्क को पहनने का तरीका वगैरह हमने पहले वीडियोस में बताया हुआ है। यहाँ पे चिन को उठा के यहाँ पे इसको दबा के रखना है, बिल्कुल फिट रहेंगे मास्क। उसके बाद आपको हाथ में पहनना है एग्जामिनेशन का ग्लव्स। तो हम एग्जामिनेशन ग्लव्स को पहनेंगे। एग्जामिनेशन ग्लव्स पहनते समय हमेशा ध्यान रखना है जो थंब नेल है उसको ध्यान रखना है, कौन सा साइड आ रहा है। हमने ग्लव्स पहन लिया। अब हमें क्या करना है, जो टॉवल है स्मॉल टॉवल उसको उठा के हमें पेशेंट की चेस्ट पे बिछाना है। बट लास्ट टाइम हमने जो कॉन्शियस पेशेंट के किया था हमने सीधा बिछाया था, बट अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हमें साइड से ऐसे बिछाना है और पेशेंट का जो फेस है थोड़ा सा टेढ़ा करके रखना है, क्योंकि ये बेहोश पेशेंट है। अब हमें ये जो माउथ वॉश लिक्विड हमने यहाँ पे रखा हुआ है, उस माउथ वॉश लिक्विड को हमें एक 2 ढक्कन माउथ वॉश लिक्विड को निकाल के उसको एक कटोरी में डालना है। क्या किया है, हमने माउथ वॉश लिक्विड 2 ढक्कन हमने इसमें निकाल के हम इसमें डाल के रखा हुआ है। उसके बाद जो नॉर्मल वाटर है उस वाटर को भी हमें उसमें थोड़ा सा मिलाना है, ताकि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा तेज होता है। और उसके बाद एक दूसरे जो बाउल है उस बाउल में आपको नॉर्मल वाटर को रखना है। उसके बाद आर्टरी फोर्सेप्स को उठाना है जो हम ब्रश बनाओगे, और हमें स्टेराइल गॉज पीस को पैकेट से एक एक करके निकाला, हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, तो उसमें से हम एक गॉज पीस उठाया। अब इसको ब्रश बनाने का तरीका ध्यान से देखना कैसे है आपको, ये जो है इसको ओपन करके एक्स शेप में यहाँ पे ऐसे रखना है, उसके बाद ऊपर से जो है उसको नीचे की तरह करना है और दोनों जो साइड है उस साइड को इसके बीच में फोल्ड करके लगाना है और उसको अंदर की तरह ऐसे रख के आपको उसको यहाँ से लॉक करना। तो ये ऐसे ब्रश टाइप में बनेगा पूरा, ये लगने का कोई चांस इसमें नहीं। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे जो माउथ वॉश लिक्विड हमने जो रखा हुआ है उस माउथ वॉश लिक्विड में इस तरीके से डिप करना है और इसको अच्छी तरफ से निचोड़ना है, ताकि उसमें से पानी, माउथ वॉश लिक्विड पेशेंट के मुँह के अंदर ना जाए। अब हमने इसको अच्छी तरफ से निचोड़ा है। अब हमें लेके उसको लेके आके पेशेंट के जो छीक है यहाँ पे इसको आपको ऐसे उठाना होगा और इसके अंदर हमें इसको डालना है। इसके अंदर डाल के आपको अप एंड डाउन राउंड पोजीशन में आपको क्लीन करना है। आगे भी आपको इस तरीके से खोल के इसको अप एंड डाउन राउंड में साफ कर सकते हैं, दूसरी साइड भी करना है। तो आप इस गॉज पीस को अगर गंदा हुआ है तो आप चेंज करके दूसरा ले सकते हैं।
और यहाँ पे भी आपको इसको उठा के इसके अंदर आराम से लगा के फिर अप एंड डाउन राउंड पोजिशन में इसको क्लीन करना है। जितना भी हमारे गॉस पीस है आपको इस तरीके से खोल के इसको निकाल के किडनी ट्रे में हमें फेंकना है, और जो नया गॉस पीस है उसको सेम तरीके से हमें बनाना है और इसको साफ करना है। और मुंह के अंदर साफ करने के लिए, जीभ वगैरह साफ करने के लिए हमें पेशेंट के जो यहाँ पे है थोड़ा सा ऐसे दबाओगे तो थोड़ा खुलेगा पेशेंट को जब दर्द होगा तो। उसके बाद आपको जीभ साफ करने के लिए भी इसको अंदर करके आराम आराम से राउंड राउंड में जीभ को भी इसी गॉस पीस से आपको साफ करना है। जितना भी हमने माउथवॉश लिक्विड से साफ किया वो सारे हमें किडनी ट्रे के अंदर डालना है, और हमें नया नया दूसरे गॉस पीस फ्रेश वाला गॉस पीस को उठाना है, फिर अगेन आपको उसको बनाना है इस तरीके से, दोनों साइड से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उसको ऐसे करके यहां से लॉक करना, फिर दोबारा ब्रश बन गई। अब हमें यही सेम चीज जो है वो हमें जो पानी हमने रखा हुआ है इस पानी से करना है, जो नॉर्मल वाटर हमने रखा हुआ है नॉर्मल वाटर में डिप करके करना। एक्चुअली हम ये काम इसलिए करते हो जो पेशेंट जो है कॉन्शियस पेशेंट होते तो हम पानी से उसको खुला करा सकते हैं, बस इस पेशेंट जो बेहोश है इसलिए वो खुला नहीं कराएंगे। तो इसलिए हमने जो जितना भी माउथवॉश लिक्विड में अभी हमने दांत को क्लीन किया था वो सेम टू सेम हम अभी नॉर्मल वाटर में भी सेम टू सेम लगा के अप एंड डाउन करके सारी जगह इसको क्लीन करेंगे, इस तरीके से पूरा अंदर डाल के फिर मुंह को भी दबा के साफ करेंगे। एक बार पूरी साफ करने के बाद जितना भी हमारे वॉश पीसेस है जो यूज किया है वो सारा हम किडनी ट्रे में रखेंगे। लास्ट में हमें क्या करना है, ये जो टवल है उस टवल को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, तो पेशेंट के फेस को क्लीन करना है। जितना भी हमारे सामान जो बचा हुआ है ये सारे हमें वापस करना है, ये जो पानी है ये सबको हमें वॉश बेसिन में जाके फेंक के उसको क्लीन करके रखना है। किडनी ट्रे में जो वॉश पीसेस यूज किया है इसको हमें डस्टबिन में फेंक के इसको भी क्लीन करके रखना है, टवल वॉश के लिए डालना है, बाकी सारे सामान अपना अपना जगह पे क्लीन करके रख देंगे। ये सब क्लीन करके रखने के बाद लास्ट में आपको जो ग्लव्स है ग्लव्स को उतारना है, उतार के इस हाथ में पकड़ के उल्टा इस तरीके से आप निकालेंगे, इसको भी हम डस्टबिन में फेंक देंगे। प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गए। अब हमें करना है हैंड वॉश अगेन 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश हम करेंगे। हैंड वॉश के बाद आपको मास्क को भी हटाना है, मास्क को हटा के मास्क को भी फेंक देंगे, फिर हम करेंगे लास्ट काम डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में हम वही लिखेंगे, तीन हम कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में टाइम होगा जिस टाइम पे हमने पेशेंट का ओरल केयर किया है, और सेकंड में हम वही लिखेंगे ओरल केयर, और थर्ड कॉलम में हम देखेंगे पेशेंट का दांत में कुछ प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग आ रहा है, कुछ चाला टाइप की है, अगर ऐसे कुछ भी हो, अगर दांत हिल रहा है तो कोई भी चीज़ है तो आप उसको लिखेंगे, अगर कुछ भी नहीं बिल्कुल बढ़िया है तो ऑल क्लियर या गुड लिख के रख सकते। तो ये है हमारा ओरल केयर अनकॉन्शियस पेशेंट का तरीका। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद हो गया होगा, अगर आपको पसंद हो गया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आज तक आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कोई दूसरा एक मेडिकल प्रोसीजर लेके आएंगे, तब तक सबको बाय बाय।